यूपी के रामपुर की तहसील मिलक में भाजपा नेताओं ने आज सड़कों पर उतरकर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई यात्रा निकाली। इस मौके पर भाजपा के सभी पदाधिकारी व नेता शामिल रहे। यह यात्रा मिलक क्षेत्र अंबेडकर पार्क से निकाली गई और नगर में सफाई अभियान शुरू कर देश को कचरा मुक्त और पॉलिथीन मुक्त करने का संदेश दिया। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं भाजपा में जिला अध्यक्ष मोहन सिंह सैनी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है देश को स्वच्छ और सुस्वस्थ बनाने का, उसका ही प्रयास किया जा रहा है। यह सफाई अभियान जागरूकता रैली निकाली गई है, उससे नगर को साफ किया ही जा रहा है, बल्कि स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। अभियान उठाया आपने, किस तहत उठाया है और कितने लोग इसमें यहाँ से जुड़े हैं भाजपा के? हम लोगों का गांधी जयंती के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो स्वच्छता का कार्यक्रम, पदयात्रा का कार्यक्रम हमने लिया था, अभी हमारी मिलक विधानसभा का कुछ क्षेत्र रह गया था और उसी पदयात्रा के अंतर्गत आज हम मिलक क्षेत्र में पहुँचे हैं और यहाँ के तमाम स्थानीय लोगों के साथ स्वच्छता का कार्यक्रम हमने लिया है और आसपास के गाँव में संपर्क कर स्वच्छता के और प्लास्टिक से मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया। ये सफाई अभियान खाली जो है आपकी सड़कों में दिखेगा या इसके अलावा और सरकारी अस्पताल या गांव पहुंचेंगे, गांव गांव संपर्क करके लोगों को जागरूक भी करेंगे और वहां पर स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएंगे। प्लास्टिक मुक्त भारत की हमने जो एक संकल्प लिया है इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अमरीश जी आप बताइए आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम पूरे देश में हर जन को ये एहसास कराना चाहते हैं हम लोग कि अपनी सफाई स्वयं अपने आप करनी है, अपने घर को स्वच्छ रखना है तो अपने रास्ते को भी स्वच्छ करना है और पन्नी मुक्त करना है, पूरी तरीके से पन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है और जल का संचय करना है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।